Well, the PS among government in Sikkim completed three years in office today. On the occasion, our Gang Talk correspondent Prakash Yadikari caught up with the Chief Minister for an exclusive conversation. Listen in. वन फैमिली वन जॉब को कर्मचारी लाइक बचाने को लगी जो हाईकोर्ट में केस बाया में केस थोड़ा ये तरह हमी सरकार पक्ष बड़ा हमी बचाव करो केस हम जित चुनौती तो नहीं रहा क्योंकि जो हम लोग ने काम करना था हम लोग ने काम किया है जो भी हमारा चुनौती को हम चुनौती एक चैलेंज के रूप में लेते हम लोग ने काम किया और आपको आप सबको मालूम है कि हम लोग ने जैसा स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम किया अभी बाहर का जो भी बाहर राज्य से भी हमारा ट्रीटमेंट के लिए अभी सोच एस एन अस्पताल में आ रहा है नामची में आ रहा है गेजिंग में आ रहा है और शिक्षक क्षेत्र में आप देख लीजिए जो जो अस्थायी शिक्षक शिक्षिका था उनका रेगुलर हो गया अब जो भी अभी अस्थायी प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट हो रहा है वो आठ साल के लिए हो रहा है मतलब हम लोग ने पूरा पॉलिसी बनाया ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाया अपॉइंटमेंट पॉलिसी बनाया हर जो भी कानून बना था हम लोग बना लिया इसके लिए हम लोग ने तीन साल में जो काम करना था कठिनाई तो था बिकॉज ऑफ दी पेंडेमिक लेकिन एक कठिनाई को हम लोग ने कठिनाई नहीं समझा हम लोग ने काम किया है ये एक अच्छा होगा क्योंकि जनता के लिए फायदा होगा क्योंकि कि जो भी काम जनता का सही सीमा तक समय सीमा में अगर नहीं होगा तो उनको पेनल्टी लगेंगे तो इसी इसी के कारण वो पेनल्टी के कारण वो एक्शन के कारण मतलब जो भी अफसर होगा रेस्पॉन्सिबल वो काम करेंगे तो जनता को फायदा मिलेगा वो लोग का बोलने का कोई मतलब बात ही बचा नहीं अभी जो काम वो लोग ने नहीं किया पच्चीस साल में हम लोग ने किया है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया जो गेजिंग डिग्री कॉलेज ऐसा ही था वो इनकम्प्लीट था वो हम लोग ने कंप्लीट किया फोन नहीं दिया था कॉन्ट्रेक्टर हम लोग ने आगे गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग ने फोन दिया अभी सेकेंड स्टेज का काम करीब करीब साठी करोड़ का काम कम्प्लीट होने वाला है और जो भी एन का काम जो जो भारत सरकार ने दिया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसके लिए ज़मीन दे नहीं पाया एस सरकार पच्चीस साल में हम लोग ने तीन साल में दिए एक सौ एकड़ जमीन एक सौ एकड़ जमीन का वैल्यू कितना होता आपको अब सबको मालूम है और एयरपोर्ट का जमीन विवादित था जो जो वहाँ का जो लैंड ओनर था उन्होंने हाईकोर्ट में मतलब केस किया था हम लोग ने विड्रॉ किया उनका कंपनसेशन दे दिया तो वो लोग ने क्या किया जैसा ऐसा ही वो लोग तो चुनाव के चुनाव को मद्देनजर रखे ही वो लोग काम करता था ना तो ना, 2004 में शुरू अब किया हुआ प्रोजेक्ट क्यों खत्म नहीं हुआ बताओ तो वो तो वो तो इलेक्शन के लिए वो लोग लो ने रखा ना इलेक्शन आएगा और बाद में करेगा वो नेक्स्ट साल करेगा इलेक्शन बाद करेगा तो हम लोग ने किया तीन साल में हम लोग ने अगर एस को ऐसा है तो उनको अम अम बताना चाहता हूं कि 94 से 97 तक कितना काम किया और उस समय तो पेंडेमिक नहीं था कोई ऐसे बेसिक महामारी नहीं था कितना काम किया लेकिन एसकेएम पार्टी ने तीन साल में कितना काम किया कितना रूल बनाया कितना जनता का सुविधा दिया ये उनको मैं प्रश्न करना चाहता हूं यहां से सबसे बड़ा उपलब्धि तो हमारा है एक तो हमारा, एक तो हमारा एक पचास एमबीबी सीट है एक तो क्योंकि एक गरीब का जो गरीब हमारा नागरिक है उनका बच्चों ने फ्री मतलब एम बी सीट मिला तो पाँच साल के बाद वो लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो डॉक्टर बनने के बाद सिक्किम में तो नहीं बाहर का राज्य में भी वो लोग काम मिलेगा और हमारा एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम हुआ और हमारा जो सोशल सेक्टर में आप देखते हैं आमा योजना और हमारा बहनी योजना बहुत सारे योजना तो हम लोग ने हर क्षेत्र में काम किया हम लोग ने और सबसे बड़ा हमारा उपलब्धि है स्वास्थ्य और शिक्षा में वा